देख रहे हैं सच दर्शन। पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी स्थित दिल्ली हाट में सिख धर्म में आनंद मैरिज एक्ट के दिल्ली में लागू होने पर निर्भेड़ सिंह सोसाइटी की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद समारोह किया गया और इस अवसर पर आप पार्टी के नेताओं समेत सैकड़ों सिख भी प्रोग्राम का हिस्सा बने। जहां इस अवसर पर भाषण देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। धर्म के नाम से और जातियों के नाम से जगह 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 खोलने की कोशिश की जा रही है, अलग अलग माध्यमों से कोशिश की जा रही है, सोशल मीडिया के जरिए, फेक न्यूज के जरिए जगह जगह कोशिश की जा रही है जहर पैदा करने और बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कोशिश की जा रही है। कहीं पे हिंदुओं को मुसलमान से लड़ाएंगे, वहां कैलकुलेशन करेंगे मुसलमान इतने परसेंट है, हिंदू इतने परसेंट है, फिर हमें मुसलमानों के वोट देखिए सारे हिंदू इकट्ठे हो गए तो अपने को फायदा। कहीं पे जाटों को नॉन जाट से लड़ाएंगे, कहीं पे मराठाओं को नॉन मराठा से लड़ाएंगे, कहीं पे हिंदुओं को सिखों से लड़ाएंगे, हर जगह ये कोशिश इस तरह की कोशिश की जा रही है लोगों को लड़ाने। इससे तो देश ही कमजोर होता है, ये तो सबसे घिनौनी बात है, ये तो सबसे गलत बात है। मैं कई बार सोचता हूं मन में, जब देश का बंटवारा हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना था, दोनों देशों के बीच में सबसे काफी बैर है। पाकिस्तान में पिछले 70 साल में सबसे ज्यादा कोशिश क्या होती, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोशिश यही रही कि किसी तरह से हिंदुस्तान को कमजोर करो। अगर हिंदुस्तान कमजोर होता है अगर, तो उससे पाकिस्तान को फायदा होगा या वो सोचता है पाकिस्तान को फायदा होगा और फिर पाकिस्तान अपने राजनीतिक मंसूबे पूरे करना चाहता। हिंदुस्तान कमजोर कैसे होगा? हिंदुस्तान को कमजोर करने का सबसे बड़ा तरीका है दो भाइयों को, एक भाई को भाई से लड़ा दो, इसको उससे लड़ा दो, सारे आपस में लड़ लेंगे तो पाकिस्तान का काम हो जाए। तो मैं ये सोच रहा था जो काम पाकिस्तान 70 साल में नहीं कर पाया इन लोगों ने 3 साल में करके दिखा दिया। मई दिल्ली में सिखों के लिए आनंद मैरिज एक्ट लागू होने को तिलक नगर विधायक जनरल सिंह ने बहुत ही महत्वपूर्ण बताया। बैसाखी का टाइम है, वैसे खुशी का और जोश का संगठनों में खूब, दिल्ली की सिख संगठनों में जोश है और इस साल दिल्ली सरकार की तरफ से बैसाखी के मौके पर दिल्ली के सिख लोगों को एक तोहफा दिया गया। उस तोहफे का नाम है आनंद मैरिज एक्ट। ये मांग 1909 से पेंडिंग चल रही थी, 110 साल पुरानी ये मांग थी, पर किसी ने उसको नहीं सुना नहीं समझा। आज जब 9 फरवरी 2018 को दिल्ली सरकार की तरफ से आनंद मैरिज एक्ट लागू कर दिया गया तो आज उसी की खुशियां मनाई जा रही हैं। दिल्ली की सिख कम्युनिटी की तरफ से अपने हरमन प्यारे अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री जो है, साथ में विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल जी, नौ मिनिस्टर, सबका आज धन्यवाद किया गया कि आपने हमारी इस मांग को सुना और इस मांग को मान के अमलीबंद किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक शुरुआत है और जैसा कि जब से आम आदमी पार्टी आई है लोगों में एक उम्मीद काफी बढ़ चुकी है, हर वर्ग के हर जायज मसले पर काम हो रहा है और रिजल्ट मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये मसला भी इतने एक शताब्दी से ज्यादा ही पेंडिंग चल रहा था। मैंने खुद ही इस मसले को अगस्त 2015 में विधानसभा में रेस किया और आप देखिए कि 2 साल के अंदर वो चीज डिलीवर कर दी गई लोगों के बीच में, तो लोगों में बहुत उत्साह है और हमेशा आगे की तरफ लोग उत्साह से देखते हैं। तो दिल्ली सरकार एक के बाद एक दिल्ली के लोगों के हित में काम कर रही और करती रही। आनंद मैरिज एक्ट सिखों का अपना मैरिज एक्ट है। इसमें दिक्कत ये आती थी कि जब सिख लोग आप जानते हैं काफी ओवरसीज में ट्रेवल करते हैं, तो जब वो बाहर जाते थे तो उनका जो रिलीजन है वो पासपोर्ट पे जैसे सिख लिखा होता है, सिख लिखा होता है और मैरिज सर्टिफिकेट पे हिंदू मैरिज एक्ट लिखा होता था, तो इसको लेकर काफी कॉम्प्लिकेशन आती थी और काफी साल पहले, काफी मतलब 100 से ज्यादा साल पहले से इस चीज की डिमांड पर चल रही थी
कि सिखों की अपनी एक अलग आइडेंटिटी है, अलग उनका मैरिज एक्ट है, आनंद कारक सेरेमनी से उनकी शादी होती है, तो मैरिज सर्टिफिकेट भी आनंद मैरिज एक्ट का मिलना चाहिए, जिसको दिल्ली सरकार ने इस साल पूरा किया और पूरी कम्युनिटी बहुत इस काम के लिए दिल्ली सरकार को शुक्रगुजार है। पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी इलाके से ब्यूरो रिपोर्ट, सच दर्शन।